रील्स बना रही थी, कल से मैं नोटिस कर रही हूँ इस बात को कि है ना, मैं जब रील्स बना रही हूँ ना, ऑटो ही बाहर हो जाती है, इंस्टाग्राम से ही बाहर हो जाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं भी तैयार हो गई जॉब पे जाने के लिए, मम्मी तैयार हो रही है, मेनू का तो छुट्टी है इसलिए अब नाश्ता करते हैं हम लोग। हेलो गाइस, मेरा पार्क है। मैं पहुंच गई हूँ शॉप सरम गच्छामी। तो अभी हम आए हैं बाहर फ़ोटो क्लिप करने और रील्स बनाने। फ़ोटो नहीं क्लिप करेंगे, मेरा बाहर देखो ऐसे हो रहा है, तो रील्स बनाएंगे दो तीन फिर चले जाएंगे अंदर। ये है ना इसलिए फ़ायदा उठाया, अगर ये नहीं है तो मेरा सिर्फ पड़ोसी मेरा फ़ोटो लेते, नहीं तो कोई नहीं लेते। गाइस, मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, वो है मेरा बाल। देखो गाइस, मेरा बाल है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं नया लुक चेंज करूँ क्या, नया स्टाइल चेंज करूँ क्या। अगर मैं नया स्टाइल चेंज करूँ तो कौन सा स्टाइल मेरे ऊपर सूट करेगा, लाइक मैं कैरी करूँ या स्ट्रेट करूँ बाल को, आप लोग ये बताओ मुझे कमेंट में। यार तकला कर दूँ तकला तो मैं नहीं करने वाली, बस मैं ऐसे ही आप लोग से कुछ टिप लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप लोग को ये शेयर किया है। मेरा बाल तो देखो गाइस, मेरा बाल ना बहुत पतला है, बहुत ज़्यादा पतला, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सारा शैम्पू मैंने ट्राई करके देख लिया, रोज़ यू नो, जब मैं कल बाल धोने वाली हूँ तो आज मैं तेल लगा के मसाज करके सोती हूँ, फिर भी पता नहीं ये ग्रो ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। आप लोग एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग में आज कितना कस्टमर थे और बहुत ज़्यादा काम था, मैं पूरा दिन बिजी थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं घर जाके व्लॉग कर नहीं पाऊँगी मुझे पता है, और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो आप लोगों को मैं मिलती हूँ कल मॉर्निंग पर, तब तक के लिए गुड नाइट। तो सोनिया आज एक्सरसाइज करने के लिए नहीं गई कल एक दिन जाके है ना, वो इतना जल्दी सो गए, इतना जल्दी सो गई, मैं भी तो जल्दी सो गए थे, हम दोनों बहुत थक गए थे तो हम लोग आज उठ नहीं पाए। माय गॉड, वेरी फनी। तो गाइस, मैं आज रील्स बना रही थी, कल से मैं नोटिस कर रही हूँ इस बात को कि है ना, मैं जब रील्स बना रही हूँ ना, ऑटो ही बाहर हो जाती है, इंस्टाग्राम से ही बाहर हो जाती है। क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन क्यों होता है, एक बार आप लोग मुझे सोल्यूशन बता दो प्लीज़ गाइस। क्योंकि रील्स ने ममता को पहचान लिया और रील्स ने बोला ममता नहीं चाहिए, इसीलिए मेरा 1 मिलियन होने वाले है। तुम क्या है, घर में भी बर्तन मांजते हो, शॉप पे भी आके बर्तन मांजते हो, ये सेल करने आती हो है? नहीं, घर पे जो है खाने का बर्तन मांजती हूँ, लेकिन हाँ। ये भगवान का है, भगवान का। अच्छा, भगवान का है क्या? इसको करने से पुण्य मिलता है, पुण्य। ओके, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, शॉप भी बंद कर लिया है, फिर से दो मास्क लगाना पड़ रहा है गाइस, पता नहीं कौन सा वायरस फिर से आ गया है बैंकॉक में। ओ माय गॉड, अभी घर पहुंच चुकी हूँ, अब मैं भी शावर करूँगी फिर डिनर करेंगे। तो मैंने शावर कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिया है, अब करते हैं डिनर। डिनर में है राइस एंड दिस तुम यम कुम, इंजॉय करते हैं। ये सारे कपड़े है धोने करने वाले, देखो अब झगड़ा हो रहा है अभी क्योंकि बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो देखो बहुत सारा काम है ना इसलिए झगड़ा शुरू हो गया है। हम लोग घर में बस यही होता है, जब काम ज़्यादा होते हैं ना तो झगड़ा हो ही जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं गाइस, देखो जो कपड़ा है ना रखने की जगह ही नहीं है, मम्मी है ना बिग बॉस देख नहीं पा रही है इसलिए गुस्सा हो रहा है। देखो देखो करो ना, धात रही हो, देखो ना नया नहीं है, नया नहीं है। ये तो सब लगाती है, ये सब लगाती है, लगाती करके दे थूपर रख नो, मैं लगाती है नहीं पहनती है। हाँ, ये क्या हो रहा है, मेरा येलो वाला पेन मैंने एक बार भी नहीं पहना मैंने सोचा था ममता के बर्थडे में पहनूंगी क्योंकि थोड़ा वेट लॉस करके। और गाइस, हम लोग जो है ना आज जो कपड़े हमसे छोटा हो जाता है तो फिर हम लोग नहीं पहन सकते कोई कपड़े, कुछ कपड़े जो हम लोग नहीं पहन सकते, इधर पे रखते रखते कपड़ा ज्यादा हो गया, जो खरीदते है ना उसमें रखने का जगह ही नहीं।
तो गाइस हम लोग साल में ऐसे सब कपड़े निकाल के हम लोग देखते हैं जो हम लोग के लिए टाइट हो जाते हैं, जो हम लोग के लिए छोटा हो जाते हैं, वो सब को निकाल के इस साइड में रखते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग फटा हुआ चीज रख रहे हैं, ये बहुत अच्छा कपड़े है, हम लोग इसको धोना करते हैं, हर साल करते हैं और इस साल भी हम लोग करने के लिए सोचा है ना मामा। नया कपड़े भी मम्मी लेके आई है, वो सब मिला के हम लोग बर्मा सेंड कर देंगे। वहाँ पे गाँव होता है ना, और वहाँ पे कुछ लोग बिना कपड़े में घूमते है ना, छोटा बच्चे लोग, और बहुत ठंड भी है अभी, तो इसलिए हम लोगों ने अभी ऐसे मोटा मोटा कपड़े, हाँ मोटा मोटा कपड़े सब हम लोग दे देंगे। तो ये सब अच्छा कपड़े है, फेंक भी फेंकेंगे, क्यों फेंकेंगे हम लोग, है ना, तो इसलिए हम लोग दोनों करेंगे। फेंकने का मतलब ही नहीं है ना, फेंकने के कपड़े मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी भी है और अच्छा अगर हम लोग देंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा लगेगा और लोगों के लिए अच्छा लगेगा इसलिए। हम लोगों ने काम भी फिनिश कर लिया है, अब फ्रेश करते हैं, फिर सोने का टाइम भी हो जाएंगे। स्माइकिंग प्रोडक्ट सॉप साबुन, इसमें इससे फिर वॉश भी कर सकते हैं, बॉडी भी लगा सकते हैं, अच्छा है, मैं यही साबुन यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो इससे जाके मंगवा सकती है, स्माइक को मेरे बेस्ट फ्रेंड साना खान। तो सर लाइट ऑफ हो गया है, इसलिए मुझे यहाँ पे बाथरूम में आके ब्लॉग को एंड करना पड़ा है। तो अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, जो चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।